खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी बजी तो सांसदों को संसद कैंटीन में खाने पर मिलने वाली सब्सिडी हटी। आपकी घंटी बजाने का कैसा असर हुआ देख लीजिए। अब हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। हर खबर का अंजाम तक पीछा करता है घंटी बजाओ। जैसे देश की जनता से सब्सिडी छुड़वाकर सांसदों को सब्सिडी बांटने वाली सरकारी सोच के खिलाफ आवाज हमने उठाई, घंटी आपने बजाई तो जो सांसद सब्सिडी के सवाल पर बगले झांकने लगते थे। सिलेंडर पे छूट के सब्सिडी छोड़ने की बात कही थी, सांसदों को खाने पे हर साल 12 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, क्या वो छोड़ने की बात कहनी चाहिए? नहीं दिखाओ वो। सांसदों के भोजन के लिए सब्सिडी दी जाती है, क्या ये सही है? आप लोग इसके पक्ष में हैं, क्या इसमें भी सब्सिडी छोड़ने के लिए कहना चाहिए? आप मुझे ना अलग अलग तरीके से सोच समझ के सवाल करिएगा, क्योंकि ऐसे बेतुकी घुमा घुमा के बात करने की आदत नहीं है मुझे। हर साल 15 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है यहाँ पर खाने पर, क्या वो छोड़ा जाना चाहिए? उसमें नहीं, सांसद भी छोड़ेंगे क्योंकि सांसदों को भी बहुत सब्सिडी मिलती है। एक सांसद होने के नाते मुझे अभी तक मालूम नहीं कितना सब्सिडी मिलता है। वही सांसद आपकी घंटियों की आवाज से अब संसद की कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने को राजी हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ने सभी राजनीतिक दलों से कैंटीन के खाने पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने का सुझाव दिया था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने चर्चा की और ज्यादातर दलों ने संसद की कैंटीन में मिलने वाली फूड सब्सिडी खत्म करने पर सहमति जता दी। MP लोगों के लिए जीरो सब्सिडी होना चाहिए, क्योंकि हम जब नुमाइंदे होकर यहाँ आए हैं तो सब्सिडाइज खाना खाने के लिए नहीं आए हैं। ये बड़ा निर्णय है और हम इस ग्लानी या इस बोझ से परे हो जाएंगे कि हमारे ऊपर इतना खर्च होता है, और इसमें मोटे तौर पर सभी दलों की सहमति है। सब्सिडी की जरूरत इस देश के गरीबों के लिए है और उनके लिए शुरू होनी चाहिए। अभी सालाना 17 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ संसद की कैंटीनों का है, जिसमें 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है। ये खर्च संसद का सचिवालय उठाता है। अब अगर सभी सांसदों के राजी होने के बाद इस फैसले पर अंतिम मुहर लगती है तो सांसदों को संसद की कैंटीन से सस्ता खाना नहीं मिल सकेगा, उन्हें भी अब खाने के लागत के हिसाब से ही पैसा देना होगा। और अगर पूरी सब्सिडी वापस ली जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि सरकार को हर साल 17 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। घंटी बजाओ शो में कई बार हमने ये मुद्दा उठाया, सरकार से पूछा आर्थिक रूप से मजबूत लोगों से LPG सब्सिडी वापस करने की अपील कर सकती है, तो जनता के टैक्स से सैलरी और मोटे भत्ते पाने वाले सांसद कैंटीन समेत कई तरह की सब्सिडी सुविधा क्यों नहीं छोड़ते। घंटी बजी तो पिछली लोकसभा में संसद की कैंटीन में खाने का दाम बढ़ाया गया, सब्सिडी का बिल कम किया गया, पर अब सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है।